नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, हमने एक छोटा सा स्वेटर बनाया है। ये 1 साल से लेकर के और 2 साल तक का बच्चा पहन सकता है, 6 मंथ का भी बच्चा पहन सकता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल स्वेटर होता है, आसानी से ये फैलता है और इसमें ये गले भी नहीं फंसते हैं। इसमें आराम से बटन खोल करके और आराम से पहना करके बटन को फिर बंद कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हमने सारे बॉर्डर्स जो हैं, बाजू का बॉर्डर और बटन पट्टी सब साथ में ही बनाया है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। हम आपको बैक साइड भी दिखाते हैं। ये हमारा बैक साइड है, देखिए हमने पूरा प्लेन बनाया है। और ये स्वेटर की बुनाई हमने 9 नंबर की सिलाई से की है। आप लोग देख सकते हैं, 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बनाया है, एज यूजुअल जो सबको आता है सामान्य तरीके से। इसमें हमने जो भी बुनाई की है बहुत आसान है। जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो लोग ये स्वेटर आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान पैटर्न है ये बनाना। चलिए बनाते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने पहले बैक साइड बना लिया है और बॉर्डर बनाया है। उसके लिए हमने 70 फंदे डाले हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो जैसे मैंने बैक में बॉर्डर बनाया है, सेम वैसे ही हम फ्रंट साइड में भी बॉर्डर बनाएंगे। तो किनारे के हम 2 फंदे देखिए पहले उल्टे बना लेंगे, उसके बाद फिर हम उनको पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई की बुनाई कर लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। इसमें इसको आप फ्रंट मानिए या बैक मानिए, आपको जो भी इसको बनाना है बाद में आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हर बार उल्टा सीधा एक समान बुनेंगे। ये देखिए, हमने बॉर्डर बुन लिया है। इस तरीके से बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब बॉर्डर के ऊपर वाला भाग कैसे हमें फंदों को डिवाइड करना है वो आप लोग देखिए। ये देखिए, हमारा एक किनारे का फंदा है। देखिए, किनारे का फंदा हमने बुन लिया है। फिर देखिए कितना सीधा फंदा बुनना है। ये 70 फंदे हमारे हैं, 9 नंबर की सिलाई का यूज किया है। ये देखिए, 3, फिर 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, किनारे का जो फंदा है उसको लेके हमने 14 फंदे सीधे साइड में बुनाई की है। देखिए, फिर 2 फंदे हमें उल्टा बनाना है, उसके बाद फिर हमें 4 फंदा सीधा बुनना है, 4 फंदे सीधे हो गए। फिर उसके बाद हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमारा जो है ट्विस्ट वाला डिजाइन यहाँ पे पड़ेगा। फंदों को रोटेट करते हैं। फिर देखिए, 2 सीधा, यहीं से अब हम 7 जो हमारे सीधे बॉर्डर के फंदे हैं उसको सीधा बना लेंगे, 2 उल्टा, देखिए, फिर 2 सीधा, फिर 2 उल्टा, ये देखिए 2 सीधा, यहीं से हम काउंट करेंगे, फिर 2 सीधा, ये 7 हमारे सीधे फंदे हो जाएंगे। इसमें 7 × 14 फंदे जो होंगे वो सीधे सीधे होंगे और 6 × 12 फंदे हमारे उल्टे उल्टे होंगे। देखिए, फिर 2 सीधा, देखिए, फिर 2 उल्टा, फिर 2 सीधा, फिर 2 उल्टा हो गया, 2 सीधा हो गया, ये 7 हमारे सीधे हो गए। अब देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो हमने उधर बुनाई की थी, 4 फंदे सीधे, वही हम फिर से करेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे और किनारे के 14 फंदे फिर हम सीधा बुन लेंगे। हम यही किनारे के फंदों में घटाते बढ़ाते हैं। अगर हमें 80 फंदा डालना है
तो हम यहाँ किनारे पे 14 के बजाय 19 19 फंदों को सीधा बुन लेते हैं, बाकी हम बीच के सारे फंदों में डिजाइन सेम एज रखते हैं। किनारे के जो सीधे फंदे हैं इसी में हम फंदे घटाते बढ़ाते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा, अब 14 और फिर 2 उल्टा 4 सीधा, ऐसे करके हमने जैसे सेम टू सेम बुनाई की है। ये हमारी सेकेंड रो है, ये बैक साइड है, पीछे का भाग है। तो इसमें जिसने 14 फंदे हमने जो सारे सीधे बुने थे यहाँ पे उल्टे बुन लेंगे। देखिए उल्टा बुन लिया हमने। इस तरीके से हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए जो फंदे हमने उधर से उल्टे बुने थे तो इधर से सीधा बुन लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी फिर हम 4 फंदे जो उधर से सीधा बुने थे इधर से उल्टा बुन लेंगे। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, हमने जिस फंदे को जैसे बुना है ऐसे ही बुन लेंगे। जो उधर से सीधे थे वो इधर से उल्टे हो जाएंगे और जो उधर से उल्टे थे इधर से बैक साइड से सीधे हो जाएंगे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। हम आपको पूरी सिलाई बुन के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हम थर्ड रो में आ गए हैं, हम फिर से सीधे साइड में आ गए हैं। यहाँ से फिर हम ऐसे ही बुनाई करेंगे, सारा हम जैसे पहले रो में बुने थे सेम एज हम यहाँ पे भी बुन लेंगे। ये देखिए हमने लगभग 8 सिलाइयाँ बुन ली है। देखिए 8 सिलाई के बाद हम क्या करेंगे, सेम हमको ऐसे ही बुनाई करनी है, कुछ नहीं करना है, इसलिए हमने 8 सिलाई तक बुन लिया है। अब फिर से हम किनारे के सीधे फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। देखिए किनारे के फंदे हो गए हमारे, ये किनारे के 14 फंदे हो गए। फिर देखिए दो हमारे जो 2 फंदे उल्टे थे उसको उल्टा बना लिए हैं और जो हमारे 4 फंदे सीधे थे इन 4 फंदों को देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले गिरा देंगे 4 फंदों को। देखिए आगे के फंदों को पीछे ले जाएंगे और पीछे के फंदों को आगे से आगे ले आएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे रोटेट करने वाली डिजाइन बना देंगे। देखिए फिर सीधा बुन लेंगे, ये हमें 8 सिलाई पे रोटेट करना है या घुमाना है फंदों को। उसके बाद सारी बुनाई हम सीधा कर लेंगे, दूसरी साइड में भी हम रोटेट कर लेंगे और बाकी हमने जैसे बुनाई की है सेम टू सेम कर लेंगे। सीधे को सीधा बुन लेंगे, उल्टे को उल्टा। हर 8 सिलाई पे हमने फंदों को रोटेट किया, हर 8वीं सिलाई के बाद हमने फंदों को रोटेट किया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप 10 सिलाई पे भी कर सकते हैं, 8 सिलाई पे भी कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा लगे आप अपने सुविधा के अनुसार से रोटेट कर सकते हैं फंदों को।
ये देखिए दूसरे साइड में आ गए हैं। तो पहले दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए देखिए फिर से हमारे चार फंदे आ गए, तो इसको रोटेट कर लेंगे। इस तरीके से हम फंदों को रोटेट कर लेंगे, फिर दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बाकी के फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमने ऊपर तक की बुनाई कर ली है। ये देखिए बस केवल रोटेट करना है, बाकी सारी की बुनाई ऐसे ही करनी है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, किनारे के फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए दो फंदों को उल्टा बुनने के बाद यहाँ पे हम रोटेट कर लेंगे फंदों को। देखिए फिर हम बीच के सारे फंदों को उल्टा बुन के बंद कर देंगे डिजाइन को, केवल ट्विस्ट वाली डिजाइन को छोड़ करके बाकी सारे फंदों को हम बंद कर देंगे, जो उल्टा सीधा का डिजाइन था बीच वाला। ये देखिए सारे फंदों को हमने बंद कर दिया है। इधर भी हम ट्विस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर हम उल्टा बुनने के बाद सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए किनारे के सारे फंदों को हम फिर सीधा बना लेंगे। देखिए सीधा बनाने के बाद अब हमें जो ऊपर बुनाई करनी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा करना है। ये देखिए हमने बुन लिया है, छह सिलाई रेड से, दो सिलाई ब्लू से सीधा सीधा बुन लिया है। किनारे के दोनों साइड के ट्विस्ट वाली डिजाइन के फंदों को हमने उल्टा, बाकी डिजाइन ये देखिए हमने साथ में बाजू का बॉर्डर बनाया है। तो इसको चलिए बनाना बताते हैं। पीछे के पार्ट में हमने बनाया है, फ्रंट पार्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है साथ में। इसके लिए देखिए हमको कोई भी फंदा पहले घटाना या बढ़ाना नहीं है। जैसे हम सीधा बुनते हैं ऐसे हमें सिलाई डालना है पहले फंदे में और सीधा बुन लेना है। फिर इस फंदे को देखिए आगे से सिलाई डाल करके और उतार लेना है, और जिस फंदे में से हमने बुना उसको घटाया नहीं है। ये देखिए
ये हमारा दूसरा फंदा है, फिर इसी तरीके से ये तीसरा फंदा हमारा है, फिर चौथा फंदा हमारा है ये, फिर पांचवा फंदा, इस तरीके से हम सात फंदे बना लेंगे। ये देखिए हमारा सात फंदा बन गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इन सातों फंदों को पहले उल्टा बुनना है। ये देखिए तीन हो गया, फिर चार, पाँच, छः, फिर सात, और फिर हमें देखिए आठ फंदा बुन लिया है, एक फंदा इसमें से मिला के बुन लिया है। फिर देखिए दो फंदों को हमें घटा देना है, हम इसको उल्टे साइड से घटाएंगे तो एक पीछे फंदा करके दो फंदों का एक बना लिया, ये बन गया हमारा। फिर हम इस फंदे को बुनेंगे नहीं, उतार लेंगे, अंतिम वाले फंदे को उतार लेंगे। पहले हम बैक कर लेंगे, घुमा लेंगे यहीं से स्वेटर को। ये देखिए फिर हम इस फंदे को उतार लेंगे और हमने फिर से उन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, जिसको उल्टा बुने थे आठों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हमें दो दो उल्टी सिलाई का बॉर्डर बनाना है। देखिए अंतिम फंदा हमने उतार लिया है, फिर देखिए किनारे का एक फंदा उल्टा बुन लिए हैं, फिर उनको पीछे करेंगे। अब हमारे दो रो हो गए हैं उल्टे, तो अब हम दो रो सीधा बुनेंगे। देखिए उनको पीछे करके हम आठों फंदों को, सातों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फिर हम दो फंदों को घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से घटा देंगे, फिर हम बैक कर लेंगे, उस फंदे को नहीं बुनेंगे और बाकी सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से हम बुनाई तब तक करेंगे जब तक हम अपने सात फंदे घटा नहीं लेंगे। इस तरीके से हम बुनते रहेंगे, तो हमारे दो फंदे घट गए हैं। इसी तरीके से हम पांच फंदे और घटाएंगे। देखिए जितने पेयर बनेंगे उल्टे सीधे के उतने फंदे हमारे घटेंगे, इसी से हम जोड़ लेते हैं। अब फिर से हम आगे उल्टा बुनेंगे। फिर से हम एक फंदा घटा देंगे, अब तो हमारा तीन फंदा हो गया है, घट गया है। इसी तरीके से देखिए हम चार फंदे और घटाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको कैसे बनाना है। कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए फिर से हम सीधा बुनेंगे, दो रो हम उल्टा बुनेंगे, दो रो हम सीधा बुनेंगे। ये हमारा चौथा रो है, तो इस बार चौथा फंदा घटेगा। चार फंदे हो गए,
ये हमारा पांचवा रो है, डबल वाला पांचवा रो है, तो पांचवा फंदा इस बार घटेगा। ये हमारा पांचवा फंदा हो गया। ये पांच फंदे घट गए हैं, अब हमारा छठा फंदा घटेगा इस बार। देखिए छठा फंदा हमारा घट गया है। तो ये हमारे देखिए एक दो तीन इधर से हो गए हैं और तीन रो इधर से हो गए हैं, तो इस तरीके से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे छह फंदे घट गए हैं। अब सातवां रो और सातवां फंदा घटेगा। हमने सात फंदे बढ़ाए थे और सातवां फंदा हम घटाने जा रहे हैं, उसके बाद अब हम फंदों को नहीं घटाएंगे। देखिए फिर हम सातवां फंदा यहाँ से घटा देंगे और आगे फिर हम बुन लेंगे इसी टाइम। देखिए आगे की बुनाई हम सीधी कर लेंगे। और ये देखिए दो फंदे हमारे उल्टे हैं तो इसको उल्टा बुन लेंगे। फिर चार फंदे ट्विस्ट वाले डिजाइन के तो उनको सीधा बुन लेंगे। बाकी बीच के सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बुन लेंगे और हम दूसरे साइड में सेम वैसे ही बॉर्डर बनाएंगे। देखिए जैसे हमने पहले बनाया है ऐसे हम इसमें भी बनाएंगे। फिर हम वैसे ही बुनाई कर लेंगे जैसे हमने पहले की थी।
ये देखिए दोनों साइड में हमने बना लिया है। अब हमें ऊपर की बुनाई वैसे ही करनी है बॉर्डर के साथ में। देखिए बाकी की साड़ी की बुनाई हम ऐसे ही करेंगे। फिर देखिए हमें फंदों को डिवाइड करके यहाँ से बटन पट्टी बनाना है, तो मैंने फंदों को डिवाइड कर लिया है। तो हमारे जो फंदे थे वो 60 फंदे थे, तो हमारे फंदे 26 फंदे हमारे किनारे छोड़ करके पूरा टोटल, और बीच के जो हमारे 8 फंदे हैं उसी पे हम बटन पट्टी बनाएंगे। बाजू के बॉर्डर की जो फंदे हैं उसको छोड़ करके जब हम 26 फंदे, ये देखिए यहाँ से 3 3 6 3 3 9 4 12 15 18 21 24 25 ये हो गया, और एक किनारे का, बाकी ये हमारे जो बीच के 8 फंदे हैं इसी पे हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये 8 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए हमने उल्टा बना लिया है। ये देखिए फिर से हमने वहीं से बैक कर लिया है, और दो डबल डबल रो वाला हम यहाँ पर भी बॉर्डर बनाएंगे गले पर भी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बटन पट्टी के लिए हमने यहीं से हम फंदों को डिवाइड करके दो पार्ट में कर दिया है हमने, और बीच से बटन पट्टी निकाल दी है। देखिए देखिए इस बार हम सीधा यहाँ पे बुनेंगे। देखिए हमने 3 रो बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक हम बटन होल बना लेंगे। देखिए ऊन को आगे करेंगे और दो फंदों को एक साथ चाहे सीधा बुन लेंगे चाहे उल्टा बुन लेंगे। बाकी ऊपर की बुनाई हम ऐसे ही कर लेंगे, दो रो और उल्टा बुनेंगे फ्रंट साइड में। ये देखिए बटन होल बन गया है यहाँ पे।
देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम यहाँ से घटाएंगे फंदों को। देखिए उसके बाद अब हम फंदों को घटा लेंगे। घटाने के लिए देखिए हम गले की बटन पट्टी से घटाना शुरू करेंगे, तो हम बटन पट्टी के सारे फंदों को एक साथ घटा देंगे, आठों फंदों को। दो फंदे हो गए हमारे, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ फंदा हम घटा दिए, बटन पट्टी के आठों फंदों को घटा दिया है। आगे हम फिर से बुन लेंगे पूरी सिलाई। पूरा बुन लेंगे, ये देखिए बुन लिए हैं। और बैक साइड से हम आ गए हैं, फ्रंट साइड से सॉरी। अब इधर से हम केवल एक फंदा घटाएंगे, देखिए चाहे आप आगे से घटाएं या पीछे से। देखिए इस तरीके से हमने घटाया है, पहले आठ फंदे फिर एक फंदे, फिर हम देखिए बैक साइड से तीन फंदों को एक साथ घटाएंगे। ये दो, फिर तीन, तीन फंदों को घटा के फिर हम बुनाई कर लेंगे। फिर जब हम फ्रंट साइड से आएंगे तो एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से आया है तो एक फंदा फिर घटाएंगे इस बार। ये देखिए और बैक साइड से दो फंदे घटाएंगे। देखिए पहले बैक साइड से आठ फंदे घटाए, फिर फ्रंट से दो घटाए सॉरी एक घटाया, फिर बैक से तीन, फिर फ्रंट से एक, फिर बैक से दो घटाया है। अब हम फंदों को नहीं घटाएंगे, अब हमारे जितने फंदे बचे हैं उसको हम ऊपर कंधे शोल्डर तक बुनाई करेंगे। ये देखिए बस अब हम नहीं, ये देखिए हमने बुन लिया है। ये हमारे जो रोज हैं बाजू के, ये 14 उल्टे रोज बने हैं। अब हम सेकेंड पार्ट भी इसी तरह बुन लेंगे जैसे हमने एक पार्ट बुना है। तो चलिए हम बुन के दिखाते हैं आपको। देखिए इसके लिए हम जो हमारे आठ फंदे हैं बटन पट्टी के, उसके पीछे से हम फंदे उठा लेंगे इस तरीके से। देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये हमारे आठों फंदे हमने पीछे से उठा लिए हैं बटन पट्टी के। फिर हम सारी बुनाई ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहला पार्ट बुना था। पहले हम उल्टे से शुरू करेंगे। ये देखिए फंदे उल्टे उठ गए हैं तो उसको हम पहले सीधा कर लेते हैं तब बुनते हैं। देखिए हो गया है। देखिए इस तरीके से हम बुनते चले जाएंगे।
ये देखिए हमने बुन लिया है, ये हमारा बैक साइड है, ये भी हमने 70 फंदे पर बनाया है, एक भी फंदा घटाया बढ़ाया नहीं है। और गले के जो फंदे हैं उससे ऊपर हमने शोल्डर के फंदों को 4 सलाई और बनाया है ऊपर, और ये हमारा फ्रंट। अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से अब हम जोड़ेंगे। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं अपने कई सारे वीडियोज़ में कि हम पहले फंदों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड के शोल्डर के फंदों को हम पहले एक तीसरी सिलाई में उतार लेते हैं, एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से। शोल्डर के हमने 23-23 फंदे रखे हैं फ्रंट और बैक साइड से। देखिए इस तरीके से हम पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर लिए हैं तो किनारे के पहले हम 3-3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। पहले देखिए 2 फंदे बुने हैं, उसके बाद फिर इस फंदे को उसमें उतार के फिर 2 फंदे और मिक्स करके 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे हमेशा। ये देखिए आप चाहे तो इसको फंदों को बंद करके सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और इससे जो होता है फंदों में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। देखिए हमने जोड़ लिया है, अभी हम इसको आपको पूरा जोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए दूसरे साइड में भी, तो ये देखिए हमने जोड़ लिया है दोनों साइड में। ये देखिए ऐसे जोड़ लिया है, देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये दूसरा वाला पार्ट है, ये देखिए पूरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले का बॉर्डर बनाएंगे। तो गले का बॉर्डर बनाने के लिए हम पहले फंदों को उठाएंगे गले से। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा उठाया है, फिर ये देखिए दूसरा फंदा उठाएंगे, और हर जो मैंने फंदा घटाया है उसी में से हम फंदों को उठा लेंगे। देखिए तीसरा, हमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि हमने कहाँ कहाँ घटाया है। देखिए फिर ऐसे हम फंदों को उठा लेंगे आराम से। तो इस तरीके से हमें 30 फंदे आगे से उठाना है और 25 फंदा हमारा बैक का है। 25 फंदे बैक के नहीं है, 18 फंदे बैक में बचे हैं, और 30 फंदे हम का शोल्डर जो हमारा जुड़ा है वहाँ तक, और 4 फंदा पीछे हम उठा लेंगे। तो कुल मिला के 34 फंदे हम फ्रंट साइड में उठा लेंगे एक साइड में, और 34 फंदा हम दूसरे साइड में भी उठा लेंगे। देखिए यहाँ तक हम इसको उठा लेंगे पहले फंदों को। ये देखिए यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं, और जो बैक साइड के फंदे हैं उसको हम सीधा बुन लेंगे इसी में। तो हम फंदे उठाने नहीं पड़ते हैं, हम कभी पीछे के फंदों को गिराते नहीं हैं, मतलब बंद नहीं करते हैं, और साथ में ही हम बुन लेते हैं उन फंदों को बॉर्डर में, चाहे हमें गोल बॉर्डर बनाना हो गले का, या फिर तिकोना बनाना हो, जो भी बॉर्डर बनाना रहता है हम उस फंदे में इन फंदों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से हमने फंदों को सीधा बुन लिया है बैक में जो फंदे थे। अभी देखिए जो शोल्डर पे हमने जोड़े हैं 4 सिलाई एक्स्ट्रा बना के, यहाँ से लेके यही हम कह रहे थे कि 4 फंदे 5 फंदे यहाँ पे आप उठा सकते हैं। तो ये एक फंदा, फिर ये 2 फंदा, फिर ये 3 फंदा हो गया। ये देखिए 4 फंदे हमने उठाए हैं और 30 फंदे हम आगे के उठाए हैं, वही सब मिला के 34 फंदे हो जाएंगे। ये 4 फंदे हो गए थे, 5वां इधर आ गया है, और फिर हम 29 फंदे और उठा लेंगे। तो ये देखिए उठा लिए हैं हम, तो हम सीधे साइड में पहले उल्टी सिलाई बुनेंगे, ये हमारा उल्टा है, तो अभी हम पहले सीधा सिलाई बुनेंगे ताकि सीधे साइड में हमारा उल्टा सिलाई जाए। 2 सिलाई का हम एक रो बनाएंगे उल्टा, फिर 2 हम सीधा, फिर हम 2 उल्टा, फिर 2 सीधा, और अगले 2 में हम पूरा बंद कर देंगे फंदों को। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके से हम देखिए पहली सिलाई सीधा सीधा बुन लेंगे।
देखिए सीधे साइड में हम उल्टा बुन रहे हैं। हमें क्या करना है कि बटन पट्टी के फंदों को मिला करके बुनाई करनी है और यहाँ पे एक बटन होल भी बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम बुन लेंगे पहली सिलाई। ये देखिए हमने बुन लिया है, ये देखिए सीधे साइड में दो उल्टा फिर दो सीधा, ये देखिए बैक साइड में दो रोज़ हैं और सीधी साइड में हमारे तीन रोज़ हैं। उसके बाद हम देखिए फंदों को कैसे बंद करेंगे। दो फंदों को एक साथ हम ऐसे बंद करके फिर इसमें मिक्स करके फिर एक फंदा और ले करके बंद कर देते हैं इस तरीके से। फंदे बहुत ही आसान वे में हम स्वेटर बनाना चाहते हैं ताकि हमारे जो चैनल को देख रहे हैं वो लोग आराम से इस स्वेटर को बना लें, कोई भी कठिनाई ना हो। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये देखिए हमने पूरा बना लिया है, बंद कर लिया है फंदों को। अब यहाँ पे हम दो बटन लगाएंगे। देखिए एक बटन होल दिख रहा है, एक बाजू में हमने गले के बॉर्डर में बनाया है और किनारे से हम क्या करेंगे सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्वेटर बनके तैयार होगा। जब आप लोग सिल देंगे बटन भी लगा लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर बनेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जब ये बच्चा पहनता है तो गले में जो है ये एकदम मतलब अच्छे से, इतना अच्छे से आता है कि ठंडक बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो हमें आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है और कैसा आपने बनाया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।